एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 12 और मैं ना तो एकदम रेडी हूँ। आज है संडे तो सुबह का नाश्ता भी बन गया है, थेपला, मेथी थेपला, बहुत ही टेस्टी और यम्मी मैंने बनाया है, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता। ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही है, आप भी आ जाइए नाश्ता करने, क्योंकि संडे है तो लेट उठे तो ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही होता है, ब्रंच यानी। तो थेपला बनाया मेथी के परोठे, यानी बहुत ही टेस्टी बना, और ऐसे ही खा लो मेरे हाथ के थेपले। आपको अचार की ज़रूरत है, ना ही दही की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इतने टेस्टी बनते हैं मेरे हाथ के थेपले। रख लूँगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं मेथी के परोठे बना रही हूँ। सुबह नाश्ते में मैंने बना दिए थे, दो मुझे खाने थे, इसलिए अभी आज खाने में भी यही है, मेथी के परोठे। बहुत ही टेस्टी मैंने बनाए हैं, तो बस ये लास्ट ही बचा है, अभी इतने बना दिए, देख लीजिए। और मैं रात का खाना लेके बैठी हूँ, दूध और साथ में ये जो मेथी के पराठे बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस फिनाले, 6 बजे के हम बैठ गए हैं, 12 बजे तक आएगा। आज बिग बॉस फाइनल है, वो देख रहे हैं। चलिए गाइस, तो यहाँ पे मैं ये जो बालकनी है अपनी छोटी वाली, यहाँ से थोड़ा कचरा निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ अभी जो मैंने बनाई है आंवले की कैंडी, उसको मुझे धूप में सुखाना है। तो यहाँ 2 बजे के बाद इतनी अच्छी धूप रहती है और पूरी 6 बजे तक रहती है, जब तक सन यहाँ पे सेट नहीं हो गया था तब तक यहाँ पे धूप रहती है। तो यहाँ पे पूरी हम कॉटन आंवला कैंडी है वो यहाँ पे डाल देंगे, तो थोड़ा कचरा निकल। यहाँ पे मैंने बेर है वो भी सुखाने डाले, देखिए, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आती है इसलिए। तो चलिए, हमारी जो आंवले की कैंडी है उसको 2 दिन हो गए, यानी 2 नाइट और 2 दिन उसको मैंने जो शक्कर है उसमें रखा था। तो जो आंवला है वो उसमें शक्कर एकदम सोख लिया होगा, तो हमारी कैंडी एकदम अच्छी हो गई होगी, तो हम उसको यहाँ पे डाल देते। चलिए, जमा देते ताकि ये जमीन हमारी जमीन कौन रुका रुका मुद्रा भूल गए इसका नाम है जमीन। तो हम जमीन ये उसको अच्छे से पोंछ लेते हैं ताकि हमारी जो आंवले की कैंडी है यहाँ पे सूखती रहे। और मैंने ये गाउन वॉश कर लिया, और गाइस बहुत ही अच्छा है ना, वो ये सिकुड़ा और ना कुछ हुआ और कलर भी नहीं गया, बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ भी मैं टेलर के पास से लाई हूँ, जो मैंने प्लाजो सिलाने दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये काम कर देते हैं, और मेरी रोटी सब्जी बन गई, चलिए दिखा देती हूँ रोटी। तो ये है, ये मेरी रोटी है, क्योंकि इसमें घी नहीं लगाया है, यानी बटर, और ये बच्चों की रोटी। और यहाँ पे देख लीजिए, ये सब्जी भी बन गई है, गोभी मटर आलू की सब्जी है। और ये है हमारे आंवले, आंवले दिखा देती हूँ जो मैंने शक्कर में 2 दिन से डाले, देखे ये है हमारे आंवले 2 है, क्योंकि ये 2.5 kg था, इसलिए 2 में मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा। तो देखिए, ये हमारे आंवले, तो इसको अभी हम धूप में डाल देते हैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने एक दुपट्टा बिछा दिया है, और ये जो आंवले की कैंडी है उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया, और वो जो पानी है उसका शरबत बन जाता है, क्योंकि शक्कर और आंवले का ही पानी है इसलिए। और इसको हम ऐसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे ताकि ये जल्दी सूख जाए धूप में अच्छे से।
तो ये हमारी बन गई है आंवले की कैंडी। देखिए यहाँ इसको मैं ऐसे चम्मच से कर देती हूँ। अभी इसको हम 2 से 3 दिन सुखाएंगे। अगर धूप कम आती है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर के बाद ही आती है, 2 बजे के बाद, तो हम इसको 3 या 4 दिन तो हमें सुखाना ही पड़ेगा, तब जाके हमारी कैंडी रेडी हो जाएगी। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सब आंवला कैंडी को ऐसे दुपट्टे पे फैला दिया है। अभी ये 2-3 दिन सूखेगी और हमारी कैंडी रेडी हो जाएगी।